नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एम्बुलेंस गाड़ियों का चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारी, अपनी मांगों को लेकर लगातार चौथे दिन भी एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में लगातार चौथे दिन भी एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। सोमवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चक्का जाम कर मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन समय तक धरने पर बैठने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आशा थी कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर सुनवाई करेगी, लेकिन पिछले 3 दिनों से शासन स्तर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद सोमवार को चौथे दिन उन्होंने एम्बुलेंस गाड़ियों का चक्का जाम करने का निर्णय लिया। एम्बुलेंस कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन समय पर धरने पर बैठेंगे। दरअसल LS एम्बुलेंस कर्मचारियों को कंपनी का टेंडर बदलने से अपनी आजीविका का भय सता रहा है। हम लोगों को आज बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आखिर हम लोग अपने घर का परिवार का पालन पोषण करें तो किस बेस पे करें, कहाँ जाएं हम लोग। पिछले काल में जब कोरोना का इतना बड़ा जो है महामारी आई थी, ऐसे समय पे कोई भी नहीं था। उस समय पे हम लोगों को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया। ऐसे समय पे जब हम लोग उन घरों में जाते थे जहाँ पर आदमी कोरोना के जो परिवार वाले थे वो लोग अपने मरीजों को छूते नहीं थे, ऐसे में उन लोगों के पास तक हम पहुँचते थे, उन्हें जो है अच्छे से पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके और उनको अस्पताल ला करके एडमिट कराया जाता था। हम लोगों की जान क्या फालतू में थी उस समय पर, आज हम लोगों को जो है पैदल कर दिया गया बिल्कुल भी। इसलिए हमारी मांग, हाथ जोड़ करके शासन से निवेदन है कि हम लोगों को जो हमारे ALS कर्मचारियों को आज बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन 1000 कर्मचारियों को दोबारा से कंपनी में, चाहे वह GVK MRI रखे, चाहे चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड रखे, हम लोगों को समायोजित करें और उसी सैलरी बेस पर करें जिस सैलरी बेस पर हम काम कर रहे हैं। हालांकि सुनवाई में यह भी आया है कि हम लोगों की सैलरी में भी कटौती की जाएगी, लगभग 3000 रुपये की कटौती। आगे बढ़ती हुई महंगाई में हम लोग कैसे कटौती का सामना करेंगे? ऐसे में हम लोगों की जो सैलरी थी उसी सैलरी पर हम लोगों का समायोजन हो और जो हम पर चिकित्सा कंपनी के नियम के अनुसार 20,000 रुपए के DD लेने का प्रावधान रख रही है, उस प्रावधान पर निलंबन लगाए, बिल्कुल फाउंडेशन लगाए। हम लोग किसी भी प्रकार का DD ना तो इस कंपनी में ना भविष्य में अन्य कोई भी कंपनी अगर टेंडर चेंज करती है तो हम लोग किसी भी कंपनी में कोई भी DD नहीं रख पाएंगे। और मेरा शासन से अनुरोध है कि कंपनियाँ आएंगी और जाएंगी, लेकिन हम लोगों को हमेशा के तरह कोई भी नई कंपनी आए उसमें हम लोगों को कार्य करने की सलाह दी जाए। ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को किया था। यह इसी के लिए था कि जो है आप शासन स्तर से हम लोगों की मांगों को, हम लोगों को आशा थी कि हम लोगों की मांगें सुनी जाएंगी, लेकिन कोई भी आश्वासन ना मिल पाने के कारण, जैसा कि प्रावधान में था कि 26 तारीख को हम सभी लोग जो है गाड़ियों का चक्का जाम करके हम लोग जो है यहाँ पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे। जब तक हमारी लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं पर बैठेंगे और गाड़ियों का यूं ही चक्का जाम रहेगा।